अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम किचन विद रबिया। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को होम किचन को यूट्यूब पर सर्च करने में बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी, इसलिए मैंने अपने नाम को थोड़ा एक्सटेंड करके इसको विद रबिया कर दिया, जिससे वो इजीली यूट्यूब पर जाके होम किचन विद रबिया को सर्च कर सकते हैं। आज मैं होम किचन में बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश हलवा पूरी बना रही हूँ। मेरे बहुत व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं हलवा पूरी बनाऊं। बहुत सारे ओवरसीज एशियन जिनको हलवा पूरी उनकी फेवरेट होती है, लेकिन इजीली वहां पे अवेलेबल नहीं होती, तो ये प्रोग्राम मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो हलवा पूरी बहुत लाइक करते हैं। और मैं जिस रेसिपी से इसको बनाऊंगी वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आप बाजार से इसको बाय करके लेकर आए हैं। तो चले अपनी हलवा पूरी बनाना शुरू करते हैं। हलवा पूरी में सबसे पहले मैं उसके चने तैयार करूंगी। चने तैयार करने के लिए मैंने हाफ के जी बॉइल्ड चने लिए हैं। इनको मैं पानी डालकर थोड़ा सा और कुक करूंगी ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और उसके मसालों में जो चीजें मैं यूज कर रही हूँ उसमें मैं हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी ले रही हूँ, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून मैंने होल कोरिएंडर को थोड़ा सा क्रश कर लिया, और 1 टीस्पून सॉल्ट। इन सारी चीजों को मैं चने में डालकर तो चनों को पकने के लिए रख दूंगी। सबसे पहले मैंने एक पॉट में चने डाल दिए हैं और ये सारी स्पाइसेस जो हैं मैं इसमें अब डाल दूंगी। और साथ ही 1 लीटर पानी जो है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं चनों को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स, चने एक तरफ पक रहे हैं, इनको बिल्कुल बाजारी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून चना मसाला डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें। इसको डालने से ये होता है कि इससे बिल्कुल एक बाजार का टेस्ट आ जाता है चनों में। व्यूअर्स, एक तरफ चने तैयार हो रहे हैं, मीन टाइम हम आलू की भुजिया तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैंने हाफ अनियन लिया है, मीडियम साइज के अनियन को हाफ कट लिया है, 3 गार्लिक क्लॉव्स हैं, 1/2 इंच जिंजर है, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, और 1/2 टीस्पून जीरा, और 1/4 टीस्पून कलौंजी है, और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया, और 2 मीडियम साइज आलू, और हमें ऑयल चाहिए होगा। तो चलें भुजिया बनानी शुरू करते हैं। भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गार्लिक और जिंजर की पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने पॉट में 1/2 कप ऑयल लिया, इसमें मैं अनियन डाल दूंगी 1/2, और इसको बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। फिर इसमें जिंजर और गार्लिक की पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाला इसको फ्राई करके। अब इसमें मैं सारी स्पाइसेस डाल दूंगी
salt, kalonji, coriander powder, red chili powder, turmeric powder, or zira. अब इसमें हम हाफ टमाटो भी ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे कि इसकी जो है वो एक पेस्ट बन जाए। बस इसका मसाला तैयार हो गया और बिल्कुल ये स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब इसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी जिसमें आलू गल जाए। व्यूअर्स, आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें आलू जो है वो कम्प्लीटली गल गए हैं। मैंने इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखी है क्योंकि मैंने इस भुजिया को चनों में मिक्स करना है और चने बिल्कुल ड्राई से होते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ऑयल ज़्यादा डाला है। अब इनको मैं चनों में मिक्स कर दूंगी। व्यूअर्स, चने गल गए हैं, मैं इनको स्पून के साथ ही थोड़ा सा मैश कर लूँगी। ये तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं आलू की भुजिया ऐड कर दूंगी। और ये देखें, हमारे जबरदस्त से जो है वो चने तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पे अगर आप इसका सॉल्ट चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्योंकि शुरू में थोड़ी सी क्वांटिटी ज़रा कम ही रखी थी। व्यूअर्स, देखें हमारे ज़बरदस्त से चने तैयार हो गए हैं। देखें इनका कितना प्यारा कलर आया है। ये बिल्कुल जो है वो बाजार के जैसे चने होते हैं, बिल्कुल इनका टेस्ट भी वैसे ही होगा। व्यूअर्स, चने पक रहे हैं। मीन टाइम मैं पूरियों का आटा तैयार कर लेती हूँ। और पूड़ियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें मैंने 2 कप प्लेन फ्लावर लिया, 1 कप होल व्हीट आटा जो हम घर में यूज करते हैं, 1 कप आटा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल और हमें पानी चाहिए होगा आटे को गूंदने के लिए। तो चलिए पूड़ियों का आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। अब मैं 2 कप प्लेन फ्लावर में 1 कप आटे को मिक्स करूंगी। वन टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इन सारी चीजों को मैं मिक्स करूंगी। अब इसमें साथ साथ पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते रहेंगे। हमें पूड़ियों के आटे के लिए हमें ना बहुत हार्ड आटा चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट। जितना अच्छा आटा होगा उतनी अच्छी पूड़ियां बनेंगी। तो इसको 10-15 मिनट्स लगेंगे आटा को गूंदने में। हम इसमें साथ साथ पानी लगाते जाएंगे और साथ साथ इसको गूंदते रहेंगे। व्यूअर्स, हलवा पूरी की डो बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, ये ना बहुत सॉफ्ट है और ना बहुत हार्ड है। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इस हाथ पे ऑयल लगाकर इसके मैंने बॉल पे भी नीचे लगा लिया है और इसी तरह मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी और इसको एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए मैं रेस्ट दूंगी और फिर हम अपनी पूड़ियां बनानी शुरू करेंगे। व्यूअर्स, हलवा पूरी के चने तैयार हो गए हैं। अब हम हलवा तैयार करेंगे और हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैंने 1/2 कप सूजी ली है, 1 कप शुगर। इसकी रेशियो मैंने 1:2 की है। मींस अगर आप 1 कप सूजी लेंगे तो आप 2 कप शुगर लेंगे। और इसमें मैं 1/2 कप देसी घी यूज़ कर रही हूँ, 15 आलमंड्स बादाम यूज़ कर रही हूँ और 3-4 मैंने इलायची के दाने इसमें लिए हैं। तो चलें हलवा बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हलवा तैयार करने के लिए मैंने एक पॉट में सबसे पहले देसी घी लूँगी। इसको जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम इलायची के दाने डाल देंगे। देसी की मेल्ट होके अब इसमें मैं इलायची के दाने डाल दूंगी और इनको बस 5 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसमें। अब इसमें मैं सूजी डाल दूंगी जो 1/2 कप है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। सूजी
जी को मैं बहुत लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। मैं इसका कलर डार्क नहीं करूँगी, यूजली जैसे हम ब्राउन कलर का हलवा बनाते हैं, क्योंकि हलवा पूरी के साथ जो हलवा होता है वो बहुत लाइट कलर का बाजार में होता है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा लाइट कलर ही बनाऊंगी। जैसे ही ऑयल के साथ फ्राई होकर सूजी की एक नाइस सी स्मेल आनी शुरू हो, तो फिर आप इसमें शीरा डाल दें। सूजी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। इन द मीन टाइम मैं इसका शीरा तैयार कर लेती हूँ। एक सॉस पैन में मैंने 1.5 कप पानी लिया है, उसमें मैं 1 कप शुगर उसको डाल दूंगी और हलवा का शीरा तैयार करूंगी। जैसे चीनी इसमें मेल्ट होगी हम इसको सूजी में ऐड कर देंगे। सूजी को मैंने फ्राई कर लिया, अब इसमें मैं शीरा डाल दूंगी। अब इसको मैं लो फ्लेम पे ही बनाऊंगी, साथ साथ इसको स्टर करते रहेंगे। प्योर हलवा तैयार हो गया, मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जैसे रनी सी होती है बाजार के हलवों की, ये बिल्कुल वैसी है। अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहें तो आप कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें आलमंड्स डालूंगी। हमारा जबरदस्त सा हलवा जो है वो तैयार हो गया, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स अब हम पूरियां तैयार करेंगे। मैंने डो के छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए, पेड़े बना लिए। अब मैं एक पेड़े को लूंगी, एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर इसको गरम कर लिया। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए हम इसमें पूरियां डाल देंगे। आप इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। जब आप पूरियां बनाएं तो फ्लेम को हाई कर लें और जैसी पूरी बन जाए फ्लेम को थोड़ा लो कर दें ताकि ऑयल भी बर्न ना हो। इसी तरह फ्यू सेकंड के लिए हम दूसरी साइड से भी इसको कुक करेंगे। सारा एक्सेस ऑयल जो है इसमें से निकाल के ये देखें कितनी सॉफ्ट पूरियां, बिल्कुल सॉफ्ट सी पूरियां। व्यूअर्स हमारे बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म हलवा पूरी और चने तैयार हो गए हैं। आप लोग इस रेसिपी को अपने होम किचन में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बहुत लाइक करेंगे। मैंने इसको अचार के साथ और अनियन को अचार के मसाले में मिक्स करके इसके साथ सर्व किया है और इंशाल्लाह ताला मैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।